दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने सेफ्टी मित्र चैनल पे, जहां नो कॉपी पेस्ट, नो टाइम वेस्ट, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा बेस्ट। जी हां दोस्तों आज का जो वीडियो है बड़ा ही शॉर्ट वीडियो है, लेकिन बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों एज अ सेफ्टी ऑफिसर हमें पता होना चाहिए कि वेल्डिंग ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन और उसके बाद है लिक्विड ऑक्सीजन, ये तीनों में फ़र्क क्या है हमें पता होना चाहिए, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि इन तीनों में पहले कौन सा बनता है, और जब बनता है तो इन तीनों में उसका रीज़न क्या बनने का। तो चले शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिक नॉलेज तो हम सबको पता है कि ऑक्सीजन जो है हमें हवा से मिलता है, जो 21% वहाँ से हमें मिल जाता है, जो जीने के लिए काफ़ी है। लेकिन दोस्तों और भी रास्ते हैं, जिसमें से एक ये भी है कि हमें ऑक्सीजन पानी से भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, पानी का मतलब वही है H2O। तो जब इसे H2O को ब्रेक डाउन किया जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जहाँ ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वहाँ से मिलता है। लेकिन जनरली जो यूज़ करते हैं दोस्तों इस प्रोसेस को, एयर वाले प्रोसेस के, कि जिस प्रोसेस को कहा जाता है एयर लिक्विफिकेशन प्रोसेस, और जो हमें वहाँ से मिलता है लिक्विड ऑक्सीजन। तो लिक्विड ऑक्सीजन जो मिलता है दोस्तों, जो हमारा जो दूसरा जो सवाल था कि लिक्विड ऑक्सीजन और वेल्डिंग ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन, इन तीनों में पहले कौन सा बनता है, तो जनरली जो दोस्तों जो बनता है वो है लिक्विड ऑक्सीजन। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि इतनी सी कम जगह में जितना हम लिक्विड भरते हैं उससे 80 गुना, अगर हम इसमें गैस फिल करेंगे तो उससे 80 गुना ज़्यादा हम लोग लिक्विड फिल कर सकते हैं। इसीलिए जो फर्स्ट रीज़न जो है उसका बल्क स्टोरेज है, कम जगह में ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। सेकंड जो है वो एक्सपेंशन रेशियो ज़्यादा है, जैसे बताया आपको 80 गुना ज़्यादा हम उतनी से जगह में लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं, अगर हम गैस में रखेंगे तो उससे 80 गुना ज़्यादा। फिर इसके बाद दोस्तों ईजी ट्रांसपोर्ट के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, कि जब छोटी सी जगह में आप ज़्यादा सामान ले जाते हैं तो इसे ट्रांसपोर्टेशन में भी ईजी है। सपोज़ अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ का जो टैंक होगा बस उसको जाके फिल करेंगे और पेशेंट यूज़ कर सकते हैं गैस फॉर्म में। फिर उसके बाद जो इसको लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ होता है वो प्रोपेलेंट यूज़ होता है, रॉकेट और मिसाइल में भी होता है लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है दोस्तों और वेल्डिंग ऑक्सीजन, ये गैस फॉर्म में होता है। तो ये कैसे होता है दोस्तों, तो ये भी लिक्विड के ही थ्रू जब गैस फॉर्म में आता है तो ये मेडिकल बनता है, ऑक्सीजन बनता है, बेसिस प्यूरिटी के बेस पे। प्यूरिटी क्या होता है, एज पर CAG कंप्रेस्ड गैस एसोसिएशन के हिसाब से 7 प्यूरिटी टर्म है। कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म। इस 7 को डिनोट किया जाता है A, B, C, D, E, F, G, जिसमें जो A जो होता है वो 99% होता है, और G जो होता है वो 19.5 से डिनोट किया जाता है। तो 19.5 वाला जो होता है वो मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है दोस्तों, और उसके नीचे जो होता है दोस्तों वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए होता है। तो वो उस इंडस्ट्रियल पर्पस में से एक जो है वेल्डिंग एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटीज़ है। जैसे अगर वेल्डिंग का यूज़ करना है तो उसके लिए 19.2 ग्रेड का या 90.2% वाला ऑक्सीजन काम चल जाएगा। उसी तरह और भी बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस में, जिसमें से वेल्डिंग एक है। उसके बाद है गैस कैटिंग के लिए भी ऑक्सीजन यूज़ होता है, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन के लिए भी ऑक्सीजन यूज़ होता है, फिर उसके बाद कंबशन के लिए भी यूज़ होता है। तो डिफरेंट परसेंटेज के हिसाब से उस ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि लिक्विड ऑक्सीजन बनता है, फिर वहाँ से स्पेरिटी के हिसाब से मेडिकल ऑक्सीजन बनता है और वेल्डिंग ऑक्सीजन बनता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।